अपने दर्शन करिए। बड़ी पिंडी रूम में भोलेनाथ विराजमान है, साथ में इनके माँ पार्वती हैं, इस साइड गणेश जी, कार्तिक है, ऊपर गंगा मैया है। गंगा धारा लगी रहती है, एक एक बूंद अपने आप गिरता है इसलिए भोले बाबा जी पे और उनका अभिषेक होता रहता है। प्राचीन समय से ये नेचुरल गुफा है, बिल्कुल प्राकृतिक बनी हुई है। बाबा धनसर जी के भक्ति करने के बाद भोले बाबा जी ने इसी गुफा में इनको दर्शन दिए थे। सामने दर्शन करिए, बड़ी पिंडी रूप में धनसर बाबा जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने आप यहाँ पे आए हैं। साथ में काली माता जी हैं, जम्मू कश्मीर में इनको बोड़ी माता जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऊपर बाबा धनसर जी का नाग रूपी चित्र लगा हुआ है। धनसर बाबा वासुकी नाग के बेटे हैं, राजा वासुकी नाग जो शिव जी के गले में होते हैं। जय माता दी सभी को, मैं हूं प्रदीप सिंह और इस समय मैं मौजूद हूं कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर और बाबा धनसर पर, और आज मैं आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। आइए पूज्य पुजारी से बात करते हैं और कैसे दर्शन होते हैं, प्रॉपर मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करता हूं। हर हर महादेव। सामने दर्शन करिए, बड़ी पिंडी रूम में भोलेनाथ विराजमान है, साथ में इनके माँ पार्वती हैं, इस साइड गणेश जी, कार्तिक है, ऊपर गंगा मैया है। गंगा धारा लगी रहती है, एक एक बूंद अपने आप गिरता है इसलिए भोले बाबा जी पे और उनका अभिषेक होता रहता है। प्राचीन समय से ये नेचुरल गुफा है, बिल्कुल प्राकृतिक बनी हुई है। बाबा धनसर जी के भक्ति करने के बाद भोले बाबा जी ने इसी गुफा में इनको दर्शन दिए थे। राजा महाराजा के टाइम में धनसर बाबा नागदेव हैं, उनके यहाँ पे भक्ति करने के बाद भोले बाबा जी ने इनको दर्शन दिए थे इस गुफा में। नागदेव को बोला? हाँ जी, नागदेव। बाकी झील में देखेंगे आप तो साक्षात नाग रूप में दर्शन देंगे बाबा जी। किस्मत वालों को दर्शन होते हैं सभी को। सामने दर्शन करिए, बड़ी पिंडी रूप में धनसर बाबा जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने आप यहाँ पे आए हैं। साथ में काली माता जी हैं, जम्मू कश्मीर में इनको बोड़ी माता जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऊपर बाबा धनसर जी का नाग रूपी चित्र लगा हुआ है। धनसर बाबा वासुकी नाग के बेटे हैं, राजा वासुकी नाग जो शिव जी के गले में होते हैं। बाबा जी इस झील में रहते हैं, सामने आप झील देख रहे हैं, जो साक्षात नाग रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा धनसर जी ने 12 साल भोलेनाथ की भक्ति करी थी इस झील के किनारे बैठ के, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने पूरे परिवार के साथ ऊपर शिव गुफा है वहाँ पर बाबा जी को दर्शन दिए थे। तभी से वहाँ पर पूरा शिव परिवार पिंडी रूप में विराजमान है, पूरी प्राकृतिक गुफा है। आप जाएंगे दर्शन करेंगे वहाँ पर। इस मंदिर की खासियत ये है कि आप किसी भी तरह की जायज़ मनोकामना यहाँ पे करेंगे तो बाबा जी जरूर सुनते हैं, खाली हाथ किसी को नहीं मोड़ते बाबा जी अपने दरबार से। बोलो धनसर बाबा की जय।